इंदौर जिले में जरूरतमंद महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में खालसा स्कूल में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में अपेक्षा से अधिक भीड़ उमड़ने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कलेक्टर निशांत वरवड़े ने व्यवस्था संभाली। इस दौरान कलेक्टर वरवड़े ने घोषणा की कि मेला 7 और 8 जुलाई को भी आयोजित किया जाएगा। उस समय आज इंटरव्यू से वंचित लोग हिस्सा ले सकेंगे। मेले के माध्यम से महिलाओं को निजी क्षेत्र के संस्थानों में नौकरियां दिलवाने का कार्य किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इनिशिएटिव हमने कल्याणी महिलाएं परित्यक्ता महिलाओं के को प्रेफरेंस रखते हुए महिलाओं के लिए रखा था। आज की जो रिस्पॉन्स मिला है उसमें कल्याणी महिलाओं के साथ साथ में हमारी बाकी अन्य बहनें भी यहाँ पर उपस्थित हैं। प्राथमिकता हम हमारी कल्याणी बहनों को ही देंगे, लेकिन बेहद खुशी है और बहुत हर्ष का विषय है कि आज हम इंदौर जिले में सिर्फ बहनों के लिए इतने सारे नियोक्ताओं के साथ में रोजगार देने की बात को मूर्त रूप दे रहे हैं। यह मेला सिर्फ आज के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कल के अलावा भी हम और डेट में यदि हमारे पास में ज़्यादा रिस्पांस मिला है तो हम किसी भी महिला का डेटाबेस को लेकर पुनः जिन लोगों को आज हम एंटरटेन नहीं कर पाएंगे उनको हम पुनः एंटरटेन करेंगे ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को विशेषकर महिलाओं को हम रोजगार मुहैया करा सकें। रोजगार मेले में आई महिलाएं रोजगार की उम्मीद लेकर पहुंची थी। इनमें से कुछ को सफलता मिली, वहीं कुछ महिलाओं को खाली हाथ भी लौटना पड़ा। महिलाओं का कुछ कर गुजरने का जज्बा इस मेले में देखने को मिला। हम इस तरह की उम्मीद लेके आए कि घर पर बैठे हमें रोजगार मिले, हमारे बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे हमारे हमें बस घर पे ही मिले, मतलब रोजगार इधर दूसरे गाँव में ना जाना पड़े। मैं इस उम्मीद से आई थी कि मुझे कुछ अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने को मिले, कुछ सीखने को भी मिले कि किस टाइप से क्या क्या वर्क होता है, बट ऐसी कोई कंपनी मिली नहीं मुझे, तो मुझे वापस जाना पड़ रहा है। आप क्या कर रही हैं? मैं अभी तो बी, मेरा लास्ट ईयर है, तो मैं प्रिपरेशन करूँगी इससे अच्छी कंपनी मुझे मिल जाए। बताइए क्या करती है आप? मैं सिलाई करती हूँ घर पे। क्या चाहती फिर आप? मैं ये चाहती हूँ मशीन भी है, मशीन कपड़ा कुछ मिल जाए, लोन वोन कुछ मिल जाए, तो थोड़ा मतलब रेडीमेड का काम करना चाहती हूँ। मैं सिलाई बढ़ाना चाहती हूँ और दूसरी लड़कियाँ सिखाना चाहती हूँ छोटी मिलने की। इस मेले में पहले दिन निजी क्षेत्र के 20 प्रतिष्ठित संस्थानों ने हिस्सा लिया। दूसरे दिन 40 प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मेले के माध्यम से 8,000 जरूरतमंदों को नौकरी देने का प्रयास किया जा रहा है। मेले में जिला पंचायत की सीईओ नेहा मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।